हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप विद विभा। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। और ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है स्पेशली रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन में आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, इंडियन ड्रेस के अकॉर्डिंग, वो मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से बताने की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं वेट वाइप्स ले रही हूँ और उससे अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने फेस को वॉश कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ कुछ अपने फेस पे ऑयलीनेस लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से वेट वाइप्स का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना फेस भी वॉश कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ टोनर। ये मेरा डर्मा का टोनर है और आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। इसको अच्छे से स्प्रे कर लो फेस पे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लो, और थोड़ा देर तक इसको हल्के हाथ से मसाज करना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, पूरा पोर्स को लॉक कर सके। तो ये मैंने यहाँ पे टोनर लगा लिया है। इसके बाद मैं अब लगाऊंगी यहाँ पे मॉइस्चराइज़र। ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं अपने फ्लॉलेस मेकअप के लिए, मतलब मेकअप का जो बेस है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो, अच्छे से शाइन करे, इसके लिए ये तीन स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब भी आप मेकअप करो तो मेक श्योर कि ये तीन स्टेप आप ज़रूर करो। ये तीन स्टेप करने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा, ब्लैक नहीं होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है। तो अब यहाँ पे मैं अपना प्राइमर यूज़ करने जा रही हूँ, और प्राइमर को मैंने अपने फिंगर्स पे ले लिया है और इसको अपने टिप पे अप्लाई करूँगी। और इसके बाद मैं टी शेप में अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। टी शेप में प्राइमर इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आपको टी शेप में ही रहती है। बाकी आप इसको जितना आपका प्रोडक्ट बच रहा है उसको अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर सकते हो। प्राइमर ज़रूर लगाइए, प्राइमर लगाने से आपका मेकअप ब्लैक नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग होता है और कम लगता है। तो प्राइमर का स्टेप स्किप मत करिएगा, वो ज़रूर लगाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने हिलेरी रोडर का आईब्रो पिगमेंट लिया है और इससे मैं अपने आईब्रो को शेप करूँगी। और ये जो मेरा डार्क ग्रे कलर है, ये ब्लैक नहीं है, ग्रे है, और इस कलर को मैं पिक करके अपनी आईब्रो को शेप दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा पिगमेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम लगता है और बहुत ही शार्प आपकी आईब्रोज को शेप देता है। बाद मैं यहाँ पे NY का कंसीलर ले रही हूँ और एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ। NY के कंसीलर को मैं फ्लैट ब्रश पे अप्लाई करूँगी और अपने आईब्रो को डिफाइन करूँगी। अपनी आईब्रो के नीचे एक शार्प एज क्रिएट करूँगी और आईब्रो के ऊपर भी एक शार्प एज क्रिएट करूँगी। इससे आईब्रो बहुत अच्छे से डिफाइंड होती है और आईब्रो को एक हाईलाइट सा मिल जाता है, जिससे आईब्रो बहुत ही खूबसूरत और हाईलाइट होकर दिखती है। तो ये स्टेप भी ज़रूर करें, इससे आपका मेकअप बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैंने यहाँ पे फिर से कंसीलर लिया है और आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ उस एरिया पे, क्योंकि अगर आप कंसीलर नहीं अप्लाई करोगे तो आपके आई शेडो का जो कलर होता है वो रियल नहीं आएगा, आपके आईज़ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दिखेंगी, क्रीज पड़ेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे कंसीलर लगाना चाहिए आई शेडो लगाने से पहले। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है या फिर आपके पास आई बेस है तो आप यहाँ पे आई बेस भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी पूरा। कंसीलर लगाने के बाद उसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने लैक्मे का लूज़ पाउडर लिया है और ये फ्लफ़ी ब्रश लिया है, जिसकी हेल्प से मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी। तो इसमें मैंने पाउडर लेके डैब डैब करके इसको अच्छे से सेट कर लिया है। जितना ज़्यादा आप कंसीलर को सेट कर लोगे उतना क्रीजिंग प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और के बाद मैंने आई पैलेट में से पिंक कलर लिया है, इसको मैं अपने आईज़ के आउटर साइड को से लगाऊंगी और हाफ लगाऊंगी। इसको मैं हल्के हल्के से ब्लेंड करना है, इसको पूरी क्रीज लाइन तक आपको नहीं ले जाना है, इसको सिर्फ आपको लोअर लिड पे ही लगाना है। तो इसको सिर्फ मैं अपने हाफ हाफ आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छा सा वी शेप बन पाए। अब
मैंने यहाँ पे हल्का सा ट्रायंगल वाला ब्रश लिया है और मैं यहाँ पे अपना येलो शेप का एक बेस क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा येलो कलर नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ इसके ऊपर मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी, इसलिए सिर्फ के लिए एक येलो सा बेस दे रही हूँ कि मुझे कहाँ तक लगाना है। तो बस इसको हम लोग हल्का सा अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से दोनों को आपस में मर्ज कर लेंगे, बस इसके बाद हम लोग इस पर ग्लिटर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है जिसमें मैंने पिंक कलर पिक किया है और इसको मैं हाफ आइज में वी शेप बनाते हुए इसको पूरा इनर कॉर्नर पे तक मर्ज करूँगी। और बेसिकली इसको लगाना मुझे अपनी हाफ आइज पे है, क्योंकि हाफ आइज पे मैं अपना गोल्डन कलर लगाने वाली हूँ, तो इसको मैं सिर्फ हाफ ड्रॉ करूँगी। जब तक आपको कलर नहीं मिल जाता आपका, तब तक आप इसको लगाओ इस तरीके से। इसके बाद मैं फ्लैट ट्राइंगल ब्रश में ये येलो कलर लेके इसके ऊपर अप्लाई करूँगी और इसको हाफ सा शेप दूंगी येलो का, और उस पर मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर। और ग्लिटर को मैं पूरा, जितना येलो पोर्शन मैंने कवर किया है उस येलो पोर्शन पे मैं पूरा लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी ग्लिटर पैलेट है, इसमें से मैंने गोल्डन कलर को फिंगर पे ही ले लिया है और इससे मैं डैब डैब करके अपनी आईज के येलो पोर्शन पे अप्लाई करने वाली हूँ। के बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके सबको आपस में मर्ज करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और क्रीज लाइन भी बहुत अच्छे से रिफाइंड हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो निकाल दिया है, और ये जो पिंक कलर मैंने पिक किया था ऊपर आईज के लिए, उसी पिंक कलर को मैं नीचे लोअर आई लाइज लिड पर भी लगा रही हूँ, जिससे थोड़ा सा इक्वल टोन आ जाए आईज की पूरी फुल आईज पर। तो ये करना ज़रूरी होता है ताकि आपकी आईज पर थोड़ा सा ना ब्रॉड सा लुक आए। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे का काजल लिया है जिसको मैं लोअर लिड के अंदर वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे मैं नॉर्मल सा पतला सा काजल अप्लाई करने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू हेवन का फाउंडेशन और इसको मैं अपने बैक साइड पे ले लूँगी हैंड की और जितना मुझे चाहिए, और इसके बाद मैं इसको फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और फिर इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मुझे ब्लेंड कर लेना है। के बाद मैंने यहाँ पे एनवाई का कंसीलर लिया है और इसको मैं अपने अंडर आए और जहाँ जहाँ मुझे फेस पे प्रॉब्लम लग रही है अपने अपने, वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको सेट कर लूँगी। बेस को सेट करने के लिए मैंने लैक्मे का लूज़ पाउडर लिया है जिसको मैंने फ्लफी ब्रश से अप्लाई किया अपने फेस पे डैब डैब करके और मेकअप को सेट किया है।
तो इसके बाद अपने आई मेकअप को कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का लिक्विड लाइनर लिया है और इससे मैं अपने आईज़ पे नॉर्मल सा आई लाइनर लगाऊंगी। मुझे सिर्फ केवल बेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लाइनर लगाना है, तो मैं बहुत ही छोटा सा आई लाइनर लगाने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसके ऊपर फॉल्सीज लगाऊंगी। तो फॉल्सीज लगाने से पहले एकदम पतला सा लाइनर आपको लगा लेना चाहिए, ताकि आपके जो फॉल्सीज हैं उनको एक अच्छा सा बेस मिल पाए और उनकी हार्श लाइन हाइड हो सके। के बाद मैं यहाँ पे अपनी फॉल्सीज अप्लाई कर रही हूँ। कंटोरिंग कर लेते हैं। कंटोरिंग और हाइलाइटिंग पैलेट मैंने ले ली है, इसको ब्रश पे अप्लाई करके मुझे जहाँ जहाँ कंटोरिंग चाहिए वहाँ वहाँ मैं स्ट्रोक लगा लूँगी एक एक। और ये मेरा चॉकलेट ब्राउन, लाइट चॉकलेट ब्राउन कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इसलिए कैमरे पे उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं नॉर्मली अपने जहाँ जहाँ मुझे चाहिए कंटोरिंग वहाँ वहाँ अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने नोज़ के कॉर्नर्स पे भी अप्लाई कर लिया है। मैंने कंटूरिंग और हाइलाइटिंग कर ली है, अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसी प्लेस पे मुझे डैब डैब करके अपने फेस पे सेट करना है। इसको स्मर्ज नहीं करना है, सिर्फ डैब डैब करके इसको फेस पे सेट करना है। मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई करूँगी। ब्लश को मैं दो शेड अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डार्क पिंक शेड नहीं चाहिए अपने फेस पे। तो यहाँ पे हल्के से स्माइल करके मैंने यहाँ पे ब्लश अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैंने फ्लफी सा ब्रश लिया है और हाईलाइटर लिया है। हाईलाइटर को मैं अपनी बोन्स पे और फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे, हर जगह अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और एक छोटे से ब्रश की हेल्प से आईब्रोज़ के कॉर्नर पे भी मैं अच्छे से हाईलाइटर लगा लूँगी। हाईलाइटर बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना चाहिए मेकअप के टाइम पर अपने फेस पर, बहुत ही अच्छा लगता है फेस, उसके बाद मेकअप बहुत ही क्लासी लगने लगता है हाईलाइटर अगर आपने अच्छे से यूज़ किया है तो। इसके बाद मैं यहाँ पे लिप पेंसिल ले रही हूँ, जिससे मैं अपने लिप को शेप दूंगी। और लिप को शेप ज़रूर दीजिए लिपस्टिक लगाने से पहले, उससे आपको आइडिया रहता है कि कहाँ तक आपको किस शेप में लिपस्टिक लगानी है। तो उसके बाद अगर आप डायरेक्ट लिपस्टिक से भी लगाते हो तो आपकी लिपस्टिक बिगड़ती नहीं है। तो मैं अपने लिप्स को शेप दे रही हूँ, उसके बाद मैं लिपस्टिक को ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक लगाने के बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक के कॉर्नर्स पे, जो लिप्स का कॉर्नर है वहाँ पे, क्योंकि इससे बहुत ही शार्प लुक आता है लिपस्टिक में। तो गाइज अब यहाँ पे मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है और इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेकअप स्प्रे लिया है और इससे मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। तो पहले शेक कर लीजिए प्रॉपरली, उसके बाद अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लीजिए, इससे मेकअप में बहुत ही अच्छी शाइन आती है। और अब यहाँ पे मैंने अपनी ईयरिंग वेयर कर ली है और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना दुपट्टा वेयर भी कर लूँगी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। तो
तो गाइज ये रहा फाइनल मेकअप लुक। ये मेरा रक्षाबंधन मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, आप इसको राखी में कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा साड़ी में, सूट में, किसी भी वेस्टर्न ड्रेस में, बस आप इसको जीन्स में मत करना, बाकी ये किसी भी इंडियन ड्रेस पे बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में भी जा रहे हो तो ये मेकअप लुक ले सकते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा मेकअप लुक है, बहुत ही एलिगेंट सा मेकअप लुक है, तो ज़रूर ट्राई करेगा इसको। और अगर आप ट्राई करो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर लिख के बताया कि आपने ये मेकअप लुक ट्राई किया कि नहीं किया इस रक्षाबंधन या किसी भी पार्टी में। और अगर आपको ये मेकअप वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, और हो सके तो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि काफ़ी लोग इसको देख सकें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।